नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपना शो करने के लिए मैं पशुपालन विभाग के सामने आई हूं। यहां पर अपर निदेशक का कार्यालय है। मेरे शो का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। आप जानते हैं कि किसान और जानवर एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बिना किसान के पशुपालन की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना पशुओं के किसान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि किसान और जानवर एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इस समय वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इसलिए और इसका दोष सिर्फ और सिर्फ सरकार को जाता है, क्योंकि सरकार ने अन्ना जानवर को राजनीति और हिंदुत्व से जोड़ दिया है। एक तरफ गायें गौशालाओं में मर रही हैं, तो दूसरी तरफ वही गायें किसानों की फसल को चौपट करने जा रही हैं। किसानों ने बताया कि वो अपनी फसल बचाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, किसानों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब चली आ रही है। एक तरफ किसान खेतों में मर रहा है अपनी फसल बचाने के लिए, तो वहीं पर किसान दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कृषि विधेयक बिल 2020 को लेकर के। उनमें किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, या सरकार उनकी मांगों पर कुछ सोच विचार करेगी, या कानून, जो तीन कानून बिल हैं जिनको किसानों ने काले कानून का नाम दे रखा है, उन पर सरकार वापस लेने का विचार करेगी। तो कुल मिलाकर के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय चली आ रही है, जबकि ये जो स्थिति है वो सिर्फ किसान की बात नहीं है, खुद की उसकी समस्या नहीं है, ये एक आम समस्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान का अनाज है वो सबके पेट में जाता है, तो ये समस्या बहुत ही विकराल है, गंभीर है, जिसके लिए किसान जद्दोजहद मेहनत कर रहा है। इस मामले को लेकर के मैंने रिपोर्टिंग भी की। इस मामले पर रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुंच गई बांदा के तिंदवारी ब्लॉक के जौहरपुर गांव के परागीडेरा, मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उस दिन का मौसम इतना ज़्यादा सर्द था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थीं, किसान खेत में ही था। ये सूचना मुझे पहले से ही मिली थी हमारे फेसबुक अकाउंट के जरिए। किसान ने मांग की थी उस गांव के कि इस गांव की भी रिपोर्टिंग की जाए। जब मैं उस गांव पहुंची तो जिस रोड से मैं जा रही थी वो रोड थी परागी डेरा से जौहरपुर की रास्ता, और उस रास्ते की अगल बगल के ज़्यादातर खेत खाली ही पड़े थे। इन खाली खेतों को देख करके मैंने एक बकरी चराते हुए किसान से पूछ ही लिया कि आखिरकार ये खेत खाली क्यों पड़े हैं। चना भाई है, अरसी भाई है, और सीज भाई है, लाही भाई है, तो कुछ नहीं हुआ है। सीज को छोड़ के वह भी चर रही है। कौन? अरे गाय चरती है, कौन चरेगा? तो हाँ। आप लोग क्या करते हैं फिर बचाने के लिए? क्या करते हैं, तार बाउंड्री किया हुआ वो भी कूद काट के चल लेते हैं। छोटे छोटे बच्चा हैं, वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, ना हमारे तापने के लिए, ना हमारे पहनने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, जाड़ में मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। तो अभी दिन में तो इतनी ज़्यादा ठंड है, रात में तो और ठंड होती है। हाँ, वही तो बात है। तो फिर कैसे करते हैं? का करते हैं, फिरते हैं रात में आदमी लोग, हमारे घर के पेट पालना है तो हाँ घूम रहे हैं जाड़े पाले में। दिन में आग जलाया, दिन में आग जलाया कुछ किया, रात में आग जलाया कुछ किया, नहीं पैसे परे रहते हैं, मड़िया डाले और क्या करें। तो आपके
वहाँ पे रहने से जानवर नहीं आते हैं? खूब आते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब यहाँ का जब नींद आ गई तो सो भी जाते हैं। चल लिया सब, बचाने की तो बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं बच पाता है कुछ। अपनी खेती में कितना पैसा खर्च किया? अरे कहीं 10-10, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा, 50-50 हज़ार लग जाता है। कार्ड मांग के लगाते हैं, वो नहीं मिलता। तो इस साल आपने कितना लगाया? ये साल तो हमारा 20-30 हज़ार लग गया। मेहनत मजदूरी कर देंगे, बेलदारी करते हैं हमारे आदमी। मैंने जब इस पर बातचीत की कि क्या इस गांव में गौशाला नहीं है, तो उसने बताया कि हाँ गौशाला तो है, लेकिन उस गौशाले के अंदर ये गायें नहीं हैं। और इन गांवों को गौशाले तक ले जाने के लिए हमने बहुत मशक्क़त की, बहुत बारी खदेड़ करके गौशाला के अंदर कर दिया, लेकिन फिर ये गायें वापस आ गईं। और इन गायों को गौशाला में रखने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त हो गई हैं ये गायें। क्योंकि इस समय हरा चारा है, फसलें हैं, तो खा करके इतनी तंदुरुस्त गायें हैं कि इनसे लोहा लेना मतलब लोहे की चना चमाने के बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो इन गायों को बांधा तक भी खदेड़ आते हैं और वापसी मोटरसाइकिल से कोई आए, तो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति बाद में आएगा, लेकिन ये गायें पहले ही उस हार में, उस खेत में मिलेंगी। तो ये स्थिति हो गई है किसानों की। इसीलिए हर रोज कई कई एकड़ फसल उनकी चर जाती है। ये जो गायें दिख रही हैं, हाँ, ये कैसी गायें हैं और क्यों हैं यहाँ पर? ये गायें बहुत 4-5 साल से यहीं पे रुक रही हैं, और उसके बाद जानवर ये जो यहाँ की फसल है सब नष्ट कर रहे हैं। ये बाहरी गायें हैं और यहाँ पे न ट्यूबवेल है और न सिंचाई का कोई साधन है, इसलिए ये एरिया खाली है, तो यहीं पर ये रात दिन बैठती हैं। और लोग बाग यहाँ रात दिन अपने खेतों में मड़ैया डाल के आग का सहारा लेकर के यहाँ अपना जीवन यापन किसी तरह कर रहे हैं, लेकिन वो भी संभव नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कई बार कदम उठाया गया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल एक भी बात नहीं सुना और कह रहा है कि गौशाला बनी है। लेकिन गौशाला क्यों, गौशाला में क्यों नहीं है गाय? ये गायें इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भाग रही हैं कि गौशाला के अंदर गांव, पूरा गांव कई बार प्रयास कर चुका। उसके बाद प्राइवेट भी गौशाला बनाया, जमुना किनारे हम लोग अपने स्वयं रुपए खर्चा किए, और उसके बाद 8-10 हज़ार रुपये लगा करके बांस बल्ली गाड़ करके, लेकिन गाय वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, भग जाती है। इन गायों से आपकी खेती को नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ कि पूरी खेती, बीजा, खाद, जुताई, लदाई सब बेकार हो गई। कम से कम यहाँ पे मेरी खेती 15-20 बीघा के आसपास है। और आपने उसमें कितना खर्च किया था? उसमें 50,000 रुपये के आसपास लागत आई थी, जुताई की, बीजा की, खाद की। और आप जब फसल तैयार होगी तो आपको क्या उम्मीद है, कितनी होने? उसमें एक भी दाना ही नहीं बचा, सब गाय खा गई। पहले पहले यहाँ ज्वार की फसल बोई गई, उसमें ये जो कहीं कहीं आपको अरहरी के पेड़ नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद चना, मसूर बोया गया, वो भी ख़त्म हो गया। आपके सामने है, वो दिखाई दे रही है फसल स्वयं, और हर खेत के ऊपर एक एक मड़ैया है। उसके बाद हमारा ये गांव चकबंदी के बाहर है, धारा 6 हो गई, तो चक भी नहीं है कि ताकि किसान एक जगह अपना किसी तरह से बंदोबस्त कर सके। और उस पे मैंने खुद में देखा कि वहाँ पर क्या स्थिति है। वहीं पर 2-3 गायों का, उन बड़ी बड़ी गायों का झुंड था, जो एक जगह पर सैकड़ों की तादाद में गायें थीं और वो फसलों को चर रही थीं। अब अगर ये स्थिति है तो फिर क्या फसल बचेगी? चना, मसूर, अलसी, ये जो फसलें हैं वो तो पूरी तरह से सफाचाट हो गई हैं। मैंने जो कवरेज किया है उसके फुटेज मैं इस शो के जरिए दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि किस तरह की स्थिति है, आप खुद में समझ जाएंगे
खुद में देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्थिति बुरी है। किसानों ने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, अपने गांव के प्रधान और कुछ राजनीतिक लोगों से बात भी की इस मामले को लेकर के। बात करने की बात क्या है, क्योंकि उस गांव में प्रधान भी तो रहते हैं, राजनीतिक लोग भी रहते हैं, उस वो स्थिति से वो भी गुजरते होंगे, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से ये कहा गया उन लोगों के द्वारा कि पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए राजनीति ना करो, इस मुद्दे के जरिए राजनीति करना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो। यही नहीं, किसानों ने ये भी बताया कि उन्होंने ब्लॉक में डीएम को और मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी इस शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसमें कार्रवाई तो हुई लेकिन फर्जी तरीके से। वीडियो और सचिव ने जो रिपोर्ट लगाई जांच की, उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, गौशालाओं में सारी गायें हैं, मतलब गौशाला के अंदर सारी गायें हैं। और ये फसल वाली जो बात है, किसानों की जो बात है, वो पूरी तरह से झूठी है। अब लीजिए, इस तरह की जो शिकायत की जो रिपोर्ट आई, उससे किसान बहुत दुखित हो गया, खुन्नस में हो गया कि आखिरकार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के मैंने भी जब अधिकारी से बात की, तो उनका कहना था कि उन्होंने खुद में इसकी जांच की है, वहां पर जाकर के देखा है, मौके में कोई ऐसी समस्या नहीं है, और जो गायें हैं वो गौशालाओं में ही देखी गई हैं, बाहर कोई गाय नहीं देखी गई है। अब मैं उन अधिकारियों से, बीडीओ से, सचिव से ये पूछना चाहती हूँ, प्रधान से भी, कि क्या ये जो बड़ी समस्या बनी हुई है वो राजनीतिक मुद्दा है, और उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की? क्या जो मेरे कैमरे पर विजुअल है, जो मैंने देखा है और जो मैंने कवर किया है, उसको झूठ ठहरा सकते हैं? वरना नहीं तो वहाँ पर मौके पर जाकर के जांच करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, खुद में ये समस्या को देखना चाहिए। सही में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किसान कितना परेशान है, और आखिरकार ये गायें बाहर क्यों हैं, जो गौशाला के नाम पर और गौशालाओं की स्थिति को सुधारने के नाम पर जो बजट आता है सरकार की तरफ से प्रशासन को, वो कहाँ जा रहा है? आखिरकार किसानों को इसी समस्या से निजात देने के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है, फिर आखिरकार ये अधिकारी, ये प्रधान क्यों चूना लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो साथियों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी पता चले कि आपको ये शो और शो का मुद्दा और चर्चा आपको कैसी लगती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।